पर पहुंचा, जिसकी क्यादत राजा कुरम नवाज और लोकल जो क्यादत है उन वो करते हुए यहां पहुंचे और अब जो है वो मुजाहरा जारी है और पथराव किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस पर। और इस्लामाबाद पुलिस जो है अपने डिफेंस में शेलिंग कर रही है, उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब ये कहा गया कि पथराव लेने, उसके साथ साथ जो कुछ यहाँ मुसल्ला अफराद को भी देखा गया इस मुजाहरे में, जबकि छोटे बच्चों को भी यहाँ इस मुजाहरे में देखा गया, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने एक जो बयान जारी किया, उनका कहना था कि वालदैन को चाहिए कि छोटे बच्चों को मुजाहरे में ना भेजें। और अभी जो है इस्लामाबाद जो है जॉइंट जो पॉइंट है फैजाबाद मुकाम, वहाँ जो है शेलिंग जारी है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और दूसरा पिंडी की जानिब से जो मुजाहरा है उसको अभी जो है फैजाबाद के पॉइंट पर रोक दिया गया है, उसे आगे चहलकदमी नहीं करने दी जा रही इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, क्योंकि सुबह जब पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई थी एहतजाजी मुजाहरे की, 3 बजे का टाइम दिया गया था जो कि जुमे के बाद फौरन एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा इमरान खान के हक में, तो उसी तनाजर में इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। इससे कबल भी तकरीबन एक हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ एफ सी के एहलकार के साथ रेंजर के एहलकार भी तैनात हैं इस्लामाबाद में, और जो इस्लामाबाद की पुलिस की वफाकी गवर्नमेंट की जो तैयारियाँ थी वो मुकम्मल थी। इसी तनाजुर में जो है जब जो पिंडी से कारकुनान जहाँ पहुँचे तो उनको वहीं रोक दिया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और शेलिंग की गई, उसके साथ साथ जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बयान भी दिया गया, बयान जारी किया गया जो है उनके PRO की जानिब से, उनका कहना था कि हमने तब शेलिंग की क्योंकि हमें जब खदशा जाहिर किया गया कि उनके जो मुजाहरे में मुसल्ला अफराद मौजूद हैं, उसके साथ साथ जो गलेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और डंडे उठाए हुए हैं, लाठियाँ उठाए रखी हुई हैं, उसके साथ साथ जो है पथराव किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस, इसी वजह से शेलिंग की शुरू की इस्लामाबाद पुलिस ने। और अभी जो है बैकफुट पर हैं, बताइएगा कि जो इब्तदाई मुजाहमत आदि हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमारे साथ रोज न्यूज के नुमाइंदे आजम बाजवा मौजूद हैं जो लाहौर